कुरान उखड़ते दोनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक है सर। आजे भाई माशाल्लाह, क्या बात है। हमने आज फैशन किया होगा? फैशन है सर, बताइए इनको प्लीज। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? ये जो कुड़ी अपनी सालगिरह ते लोगों को कह रही होती है तुसी मैनू गिफ्ट ना देना, साढ़े दो महीने का बिल तार दे। शर्मिंदा नहीं हो रही, कह रही कल तो ये यहाँ नहीं था। वीडियो बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद अंसर इकबाल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नोरल हिरा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है नोरल हिरा जी तशरीफ ले। मेरी फेवरेट मॉडल हैं जी। Thank और एक बहुत ही खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। वाह। नहीं भाईजान के लिए भी नहीं, भाईजान की तरफ से किसी के लिए। हाय 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 सर, तमाम शहर को जो सच हुआ बताऊंगा, फिर उसकी जितनी भी कीमत हुई चुकाऊंगा। मैं हिजर वालों का एक काफिला बनाऊंगा, तुम्हारे बाद भी मैं जी कर तुझे दिखाऊंगा। हाय हाय, मुझे पता है वो मेरे लिए सजती है। अच्छा जी। हर रोज वो चांद की तरह जगती है। एक बात से मैं बहुत परेशान हूँ ठाकुर, मेरी बीवी बगैर मेकअप के मेरा भाई क्यों लगती है? अंसर साहब क्या हाल हैं आपके? ठीक हाल, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है सर। शो देखा हुआ है? हाँ जी। चले ठीक है, आपने देखा हुआ है नूरुल हिरा? जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है पहली बार असेंबली में पहुंच के? कुछ खास नहीं लग रहा। खास नहीं लग रहा, मगर आपने दो इलेक्शन लड़े हैं जी, तो ये आपने सोचा कि यार मैं इसके लिए लड़ रहा था? हाँ एग्जैक्ट यही है। मैं सुनता था कि जो बंदा एक दफा पार्लियामेंट पहुंच जाए उसके बाद वो सारी जिंदगी टकरे मारता रहता है कि मैंने दोबारा पहुंचना है। यकीन जाने कि मैं हैरान रह गया कि क्या है जो जिसके लिए लोग इतनी तगड़ो करते रहते। कोई अट्रैक्शन नहीं है? कोई अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा जी, अच्छी बात है। अच्छा तो कोई आपने साथ वाले साथियों से पूछा कि यार ये क्या बातें बनी हुई थी, मेरा क्यों नहीं दिल लगा? मोस्टली नायल हो गए, वो भी यही कहते, वो भी कह रहे हैं। पहली बार असेंबली गए ना तो स्पीकर साहब नु कह रहे ने बच्चा गवाचा के ला नहीं कर दियो। मगर अंतर भाई आप तो बड़ा मुश्किल इलेक्शन जीत कर आए हैं। जहर है जी सारे एज कम्पेयर टू जो आपने पहले भी लड़े होंगे उसके मुकाबले में तो ये आपने बहुत मुश्किल है जी। मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे इलेक्शन में 9 मई से लेके 15 फरवरी तक अपने हल्के में नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। पानी से सर इलेक्शन तो 8 फरवरी को हुआ है तो मैं 15 फरवरी को वापस आया हूँ। इस पूरे अरसे के दौरान हल्के में नहीं जा सका। अच्छा, लोगों ने वोट दे दिए। और ये आप 8 फरवरी को जीत चुके हुए थे या कुछ टाइम लगा जीत का? टाइम लगा जी, अगले दिन कोई 2 बजे तक हल्के के लोग बहुत सारे वहाँ पे चले गए, जमा हो गए, उनके पास तो रिजल्ट आ चुके थे। कोई 12,000 की 12,500 की लीड थी तो वहाँ फिर जाकर लोगों ने धरना दे दिया, अल्टीमेटली फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा तो उसके भी आप हफ्ते बाद आए? उसके भी हफ्ते बाद आए। आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं, केस थे, बेल्स वगैरह कराते कराते फिर आखिर आप मुझे बताइए मैडम कि आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है? एग्जैक्टली। डिड दैट हेल्प यू इन बिकमिंग अ मॉडल? आई थिंक सो यस, क्योंकि मेरा यही था कि मैं अपनी दोनों फील्ड्स को अलाइन रखना चाहती थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सम वर्ड जो मैं कर रही हूँ उससे अलाइन करे। अब जैसे इन्फ्लुएंसिंग है या जो भी सोशल मीडिया पे सारा कुछ है तो आप ब्रांड्स को ही प्रमोट कर रहे होते हो, तो मुझे था कि अगर मैं ब्रांड्स के साथ पहले से ही काम करना शुरू कर दूंगी तो मुझे आइडिया होगा कि ब्रांड्स की बैक एंड पे कैसे वर्किंग है या फिर किस तरह से यू नो सारा काम चलता है, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माई ओन ब्रांड एज वेल वेरी सून इंशाल्लाह। ओके, सो इसलिए मैंने दोनों फील्ड्स को अलाइन रखा। और हमारे वासे भाई भी ब्रांड ही है, ये गुची के होस्ट है। मेरा फिर ये चाइना का गुची देख चाइना का
हेरा, आपने किससे इंस्पायर होके मॉडलिंग स्टार्ट की थी? आई थिंक मैंने किसी से इंस्पायर होके नहीं किया, आई स्टार्टेड फैशन इन्फ्लुएंसिंग ऑन इंस्टाग्राम. उसमें होता है कि आप अपना फैशन सेंस जो है वो लोगों को पोर्ट्रे करते हो. जब मैं आउटफिट्स कैरी करती थी या फिर मैं स्टाइल करती थी तो मुझे होता था कि लाइक आई कैन ऐड माई एलिमेंट इन टू इट एंड आई कैन पोर्ट्रे टू पीपल. सो मैंने इस तरह स्टार्ट किया, देन ब्रांड्स स्टार्टेड लाइकिंग माई कॉन्टेंट और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया और फिर इस तरह मेरा पोर्टफोलियो जनरेट होता गया और फिर मुझे और आगे काम मिलता गया. वैसे कोई फेवरेट ब्रांड है जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करती हैं या करती हैं? देयर आर मेनी ब्रांड्स. यू नो मेरे साथ जैसे होता है कि मेरे साथ कभी भी किसी शूट पे ऐसे होता है ना, किसी के साथ बुरा कुछ हो जाता है कि आपका इंसिडेंट बन जाता है कि मैंने अब दोबारा इधर नहीं जाना. सो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मिले हैं इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव और हमेशा एक अच्छा माहौल बना होता है. कभी मॉडलिंग करते स्लिप हुई है? आई गेस यस. वो जब एक बार पहाड़ पे थी और वहाँ पे कोई शूट था, लाइक पिक्चर्स हो रही थी, तो मेरा पांव स्लिप हो गया था. अगर मैं होता मैं कभी आपको स्लिप ना होने देता. आपका बड़ा लॉजिकल सवाल था. वैसे अंसर भाई आप भी कभी स्लिप हुए हैं? पहली बार असेंबली इलेक्शन से पहले स्लिप हो गए थे आप? हाँ, वो वाले स्लिप हुए थे थोड़ी देर के लिए. थोड़ी देर नहीं, पूरा साल. पूरा साल ही हुए. मगर ये बताइए कि आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? बस खान साहब की मोहब्बत में. खान साहब की मोहब्बत में? खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त के आइडियल थे, वो सियासत में आ गए. उनकी सियासत भी देखी तो वो भी अच्छी लगी, तो सियासत में आ गए. इससे पहले मेरा तो सियासत से कोई तलक नहीं था. कोई तलक 2012 से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई किसी किस्म का तलक. सियासत से पहले क्या शुगल मेला था? मैं बिजनेस करता था और करता हूं. उधर तो सरगोधा ज्यादा किन्नुओं का बिजनेस है. किन्नु जी, किन्नु एक्सपोर्ट. किन्नु दसा में राज दिया गल्ला. मगर मुझे लगता है सब कैसा लगा जब सियासत में आए, इस फील्ड को कैसा पाया? सुनते थे कि सियासत एक इबादत है, वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है. अगर सियासत सही की जाए तो वो यकीनन एक इबादत है. मुझे नई आइडिया था कि मेरे आसपास रहने वाले लोग किस हाल में रह रहे हैं. मैं बिजनेस कर रहा था, बच्चे मेरे इस्लामाबाद सेटल हैं, तो ये सीज़न कुछ 4 महीने का होता है मैक्सिमम. हूँ तो मैं उसी गांव के जहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन 4 महीने बाद बच्चों के पास ज़्यादा फिर उधर टाइम गुजरता, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या है. सियासत में आने के बाद मैंने देखा है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितना है. और मैं समझता हूँ कि अगर कीकतन इंसान उनकी खिदमत करे तो इससे बड़ा कोई अजर नहीं है. और आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि मैं तो देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अल्लाह को क्या आप जवाब देते कि आपके बिल्कुल पड़ोस में इस तरह की लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं. कि एक पेन किलर के लिए मैं आपको बताता हूँ सब. एक दफ़ा मैं मेडिकल कैंप वगैरह लगवाता था, एक दफ़ा एक कैंप लगाया हुआ था तो डॉक्टर साहब उठ के कहीं गए. मैं खड़ा था, लाइनें लगी थी, मैं उनकी सीट पर बैठ गया. तो आगे मेरे लाइन लगी थी तो मैंने 3rd नंबर पे खड़े एक लड़के को देखा, यंग सा था, 12-13 साल की थी उसकी. तो उसको ना मुझे लगा चेहरे से कि इसको बहुत तकलीफ़ है. तो मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या इशू है? तो उसने कहा जी मुझे कमर में ना दर्द है. क्यों दर्द है? मैंने कोई वो चीज़ें उठाई थी तो उस वजह से दर्द हो गया. कब से? 3 दिन हो गए. क्या किया? कुछ भी नहीं किया. 3 दिन से मुसलसल वो उस कर्म में मौजूद था. वो एक पेन किलर लेने के लिए उसके पास वो सेल नहीं थे और वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है. जब ये इस किस्म की रियलिटीज देखने को मिलती हैं तब चलता है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वो किस और किन हालात में रह रहा है. मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक ऐसा भी बंदा मिला कि उसने मेरे पास आया कि कहता है मुझे, मैंने इलाज कराना है. उस वक्त वहाँ पे ये हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. तो मुझे कहता है कि मैंने इलाज कराना है. उस वक्त इंजेक्शन वो एक कोर्स होता था 60-70 हज़ार का. मैंने ऐसे गपशप लगानी शुरू की तो उसने मुझे बताया कि मैंने पैसे इकट्ठे करके को 8,000 रुपया मैंने टेस्ट करवाए थे तो मुझे डायग्नोज हुआ कि हेपेटाइटिस सी है. तो उसके बाद मैंने कहा, फिर उसने कहा डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसका इलाज कितने खर्चा होगा, तो उसने कुछ 70,000 इस तरह बताया. तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अगर मैं नहीं इलाज कराता तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में मैक्सिमम 6 मंथ आपको 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा. तो मैंने कहा फिर? कहता है फिर मैं घर आके तो वो गिन रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी अभी 1 महीना ख़त्म हो गई है, फिर 2 महीने. ये लिटरली मैंने देखा है इस तरह के इस जहाँ पे हालात हैं लोगों के. बिल्कुल ये एक तो सर आपने इलाज करवाया. ज़हर है भाईजान, मैं अब यहाँ कुछ उस लेकिन नहीं, नहीं सर मैं वेलफेयर के बहुत ज़्यादा पहले भी ये करता था, सियासत जाने से पहले भी. सियासत के आने बच्चे खुश हैं आपके सियासत में आने के डिसीजन से? कुछ ज़्यादा खुश नहीं. ज़्यादा खुश नहीं है क्या उनका क्या होता है? जो पिछला साल गुजरा है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे. बल्कि इलेक्शन तो पहले थे, बच्चे कह रहे थे ना बोसी तुम क्या MPA बनना, तुम इश्तिहार ही बन गए. सर
सर जूते तो आपने खान साहब की मोहब्बत में पहने हैं, आप ये बताएं आपने जुराबे किसकी मोहब्बत में पहनी है? जुराबे भी खान साहब पहनते हैं, हमारा ना सारा दिन गांव में घूमना फिरना जाना ऐसी जगह पे होता है तो वो पहले चेंज हो गया प्रोग्राम ही पहलियां जो हो रहे हैं। वेलकम बैक जी अरीज। सर आप अपने फारिग टाइम में कोई ड्रामा मूवी देखते हैं? बहुत कम जी, अब तो टाइम होते ही नहीं, फारिग होते ही नहीं। पहले देखते थे? अब पहले कभी कभी। कौन पसंद था? मुझे आबिद अली। आबिद अली साहब फिल्मों में वगैरह में? फिल्मों में नदीम, नदीम साहब। आइडियल तो होता ना, जैसे मसलन के नदीम साहब थे, हीरोइंस भी होती हैं जैसे शबनम जी थी, आसिया जी थी, आपकी भी कोई पुरानी कोई हीरोइन? नदीम शबनम की। नदीम शबनम बहुत जबरदस्त। मसलन शबनम की फिल्म देख के तुम्हें कभी लगता है कि यार नदीम मैं? सर होंगे ना जवानी से, क्यों मैंने तो लगता ना बाहुबली देखी मैं कटप्पा अपने आप को समझता रहा। नहीं लगता कभी। नहीं सर, बड़ी बात है वैसे। और आप सुनाए नुरलहरा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, इतना प्यारा होने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी पीना चाहिए और आइसिंग करनी चाहिए मुंह पे। मसलन 8 के दिन मैं पानी पीऊं मुझे लोग नुरलहरा कहेंगे? नहीं आप बहुत प्यारे लगेंगे ज्यादा पानी पीकर और फेस पे आइसिंग करके। आइसिंग भी करिए। गर्मी और ये हीट है ना, इसमें आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। फिर आप जब मेकअप करते हो या अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत क्रैकी और एक्नी भी होती है, लेकिन अगर आप आइसिंग करते हो फेस पे तो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं और सही रहते हैं, आपकी स्किन खराब नहीं होती। और उसके उसका तरीका क्या आइस करने का? कुछ लोग जैसे मॉडल्स के लिए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना बाउल आप आइस डालते हो उसके अंदर अपना फेस डालते हो, लेकिन आई थिंक एकदम से इतनी इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए आपको। आप आइस क्यूब ले सकते हो या फिर आजकल एक डिफरेंट कॉन्टोर किट्स हैं जिसके अंदर आप उसको रख के फिल करके आप बनाते हो उसको, एंड देन यू कैन यूज इट ऑन योर फेस। लेकिन साढ़े को तो बाल्टी है, फिर 50 रुपए की बर्फ कटी सड़वा ली। वो भी कर सकते हैं, आइस बाथ इज गुड टू। लाइक बहुत से मॉडल्स और एक्टर्स हैं जो पूरी आइस बाथ लेते हैं। लेकिन कुछ एक्टर के मैंने देखा है वो आइस रखी है ऐसे मुंह करके, वैसे भाई इन्होंने रखी बाल्टी, इन्होंने इंज नहीं किया अंदर करके। जैसे मर्जी करें बस आप कर लें। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा कोई ऐसा शख्स है जो आपको भी कोई प्यारा लगता हो मेरे अलावा? मुझे अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं बस, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा आई थिंक बस हो नहीं कोई होता है ना पेरेंट्स। मेरी शक्ल ताड़े ताया पुना मिल दी मुझे देख के आपको पेरेंट्स याद आ गए। लेकिन होता ना कि आइडियल भी जिंदगी में होता है ना, क्योंकि ऐसा इंसान हो जो दिल को बहुत अच्छा लगता हो, कैसा होना चाहिए? नहीं आई डोंट थिंक सो। अगर हुआ तो कैसा होगा? कैसा होगा होना, कैसा होना चाहिए? बस हाइट अच्छी होनी चाहिए, मुझे हाइट अट्रैक्ट करती है, लाइक हाइट अच्छी होनी चाहिए। उन आलम चना कितो लग गए? नहीं आई मीन 6 फीट इज फाइन, लाइक छोटे कम हाइट वाले नहीं। आई डोंट नो आपकी कितनी हाइट है? आई एम 5'6" 5'5" आई गेस। या 5'6" ठीक है हाइट। और इसके अलावा और कोई नहीं? केयरिंग होना चाहिए बस। बिजनेसमैन हो या? आई डोंट थिंक अबाउट दिस स्टफ वैसे ज्यादा। कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां बहुत ही सच्ची होती हैं, तो आपको मैं कैसा लगता हूं सही बताना? आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे हैं आप। है मेरा दिल रखे है। अच्छा हाइट ज्यादा वैसे भाई बिजनेसमैन भी होना चाहिए क्योंकि पैसा तो जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है, और केयर करता हो ये भी होना चाहिए, ठीक है ना? Yes. तो अगर हम कोई रिश्ता कुछ देखें आपके लिए आपको फोन करें तो आप एग्री हैं? आप मेरे पेरेंट्स को फोन करें ना, उन्होंने डिसाइड करना है। मेनू अंकल का नंबर दे देना फिर। परफेक्ट ठीक है, शो के बाद आप दो सिम्मा के एक उनको एक ही है ये आपको अपना जवाब। लेकिन ये है कि क्योंकि हम रिश्ता भी करवाते हैं ना। अच्छा ये रिश्ता करवाने वाली माई इधर ही बैठी है। वैसे भाई हमने ऑफिस भी हमारा ये गपशप मैरिज भी हो रहा है। अच्छी बात है, साइड बिजनेसेस होने चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह साढ़े को 60 साल के रिश्ते भी मौजूद है जी सर। आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया? एक बहुत पुराने फिल्म स्टार थे हबीब साहब, उनसे आपकी शक्ल मिलती है? अभी आपने जाके देखना जरूर। उनको पता है हबीब साहब का, आपने देखे होंगे हबीब साहब? अल्लाह जल्द नसीब करे, बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार थे, मगर ये आपको कहाँ से याद आ गया ये सरप्राइज में इस बात। लेकिन अच्छा है मिलती भी है सर, वो मैं गौर नहीं किया था। हाँ नहीं मगर वो देखो सामने से बैठ के देख रही है इसलिए उनको पता चल गया। जी सवाल आपका प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर गुल है। मेरा क्वेश्चन अंसर इकबाल साहब से है। सर ये कैसा निजामे हुकूमत है जिसमें गरीब को तो दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा और जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये जो बंदे ने जराब च फ्रूट चाट लगाई उनकी को खावे ना। इसमें कोई शक नहीं जी, मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे। यहाँ गरीब के साथ ना हर रोज कोई ना कोई ज्यादती हो रही है। सीएम साहबा ने एक
नोटिफिकेशन नया जारी किया है। एक 17 ए एक रूल था, उसके तहत कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता था उसकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती थी तो उसकी बेटी या बेटे को जॉब मिल जाती थी, जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से, वो ख़त्म कर दिया गया है। और हैरान है हम तो, पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं कि एक बंदा जॉब कर रहा है, वो दूसरे चौथे पांचवें स्केल में है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, वो एक ही जरिया था, तो वो बच्चों को एक था कि चलो उसको कर देते थे, एक रूल था, वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, वो कोशिश करती है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, कल फिर उन्होंने इलेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ तो जिस तरह दुश्मनी होती है वो हो रहा है, आपके सामने है कि लोग किस तरह। मैं तो रोज़ाना बहुत सारे लोगों से सुबह मिलता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स में ना एक और बड़ा अजीब होता है कि लोगों के दुख दर्द जो है ना, वो जब बंदा सुनता है ना, इंसान है, उस पर वो असर ज़रूर करते हैं। मैंने 10-15-20 बंदों की बात सुनी है, ऐसे मसले हैं कि मैं जब हल नहीं कर सकता ना वो, तो यकीन जाने कि बहुत अफसोस होता है और बस बेबसी होती है, क्या करें किस तरह लोगों के साथ, बहुत ही बुरे हालात में हैं जी। भला तो वाकयात ऐसे हुए हैं जी, अभी शाम तो सिर्फ बिजली के बिलों की ये बातें करते हैं ना, बहुत सारे मसाइल। सरंस भाई वैसे आपको कितना बिल आया? बिल मैंने वो सोलर लगा लिया था 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले हालात ठीक से ना? उसमें वो अब बचत हो जाती है, लेकिन 2-3 जगह है फिर भी बिल तो आता है जी। क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसनैन है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि यूजली मॉडल्स मॉडलिंग में आने के बाद एक्टिंग में भी चली जाती हैं, तो आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान है? आई थिंक आई कैन ट्राई, मतलब मैंने सोचा नहीं है कि उस तरह से मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली एक्टिंग इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई, मतलब आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एंड अगर मैं मॉडलिंग ख़त्म हो जाती है और मुझे आगे परस्यू करना है इसी फील्ड में, देन आई कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइक डिफरेंट ऑप्शन, एंड अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। ओके जी। सर मेरा नाम फरहान अली है, मेरा पोएट्री है मैडम के लिए। मैडम के लिए पोएट्री है? ये पोएट्री किसकी है? अच्छी होनी चाहिए। मेरी है। आपकी अपनी है? बस अपनी है। बस अपनी है? आप पक्का बताएं अपनी है या नहीं है? अपनी है। खुद लिखी हुई है? जी। अच्छा सुनाइए जरा फिर। माना कि सब चेहरे दीद के काबिल हैं, लेकिन सब फूल कहाँ होते हैं आपके चेहरे की तरह। क्या करते हैं मेरे भाई वैसे आप? यही कुछ कर देने। सरगोधा से जॉब कर रहा हूँ। सरगोधा से आप जी? अरे वाह वाह वाह, ये तो सर आपके शहर से आ गए, जॉब कर रहे हैं आप? जॉब कर। और ये बताएं कि घर वाले जानते हैं कि आप शेर व शायरी करते हैं? जी जानते हैं सर। और उनको भी ये वाला शेर सुनाया कभी आप? नहीं सर, टिकटॉक पे है। टिकटॉक पे से आपने पढ़ा या टिकटॉक पे? नहीं सर, मेरे टिकटॉक आईडी पे है। अच्छा तो अपनी आईडी पे है, तो कोई खानदान वाला नहीं है आपके फॉलो करता? करते हैं सब, सारे करते हैं। अच्छा तो उन्होंने वहां देख लिया होगा टिकटॉक पे? जी सर, टिकटॉक दी आईडी ते उन्होंने को लाइक करे ना जेड़ा बंदा, ओदे घर मिठाई लेके चल जांदे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपका पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा या फिर शो कौन सा है? हमजा अली अब्बासी इज़ माय ओनली फेवरेट एक्टर पाकिस्तान में, उसके बाद मुझे कोई उस तरह से पसंद नहीं आया। सो अभी उनका रिसेंटली जाने जहाँ एक ड्रामा ऑन एयर था विद आयजा खान, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मुझे वो कितना अच्छा ड्रामा लगा। आई यूज़ टू वेट कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, संडे आ गया, फ्राइडे आ गया, एपिसोड आ गई। सो इस तरह से मैंने वो कंटिन्यू किया। आई रियली लाइक दैट ड्रामा एंड पर्सनली हमजा As well, yeah. हमजा अब्बासी, yeah. जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनाल फातिमा। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे स्पेंड करती हैं? लाहौर में तो देखा जाए तो अगर आपने कहीं जाना है, यू से कि लाइक आओ डिनर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल और इतनी एक्टिविटीज तो है नहीं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली यू गो ऑन डिनर्स या फिर आप घर में सारों को गैदर करके कोई गेम खेलना शुरू कर देते हो। तो मोस्टली आई लाइक यू नो टेकिंग माय, वी प्ले सीक्वेंस या फिर डिफरेंट गेम्स, लेकिन जब ना एनीथिंग लाइक अनदर गेम देंगे ये गेम खेली है तो मैंने कहा चल चिड़ी उड़ी बस जी हूँ चंगे रहे। क्यों क्या हुआ है? सारे राह बिस्ती करते आए ने। वो तो हमेशा कर रहे होते हैं सर। मान से हूँ मेरा दिल करता भी नौकरी जड़ी है ना, हाँ इन्हों को ही करा हूँ जरा आज ही हो गया। असल जी इन्हों को कोई और नौकर लगता नहीं ते मैनू को रखता नहीं जी। ये चौधरी जी गुल कम सना तिनका ने ये फालू अशरा गरीब मतलब बिल्लिस मतली क्यों जी? मैं तो ना किया सी ना कि नहीं समझ आनी
क्या कहा यार? कहंदे ने यार तू मैनू जानदा नहीं, तू इन्ना अरसा मेरे नाल रहया, फिर इस तरह दियां हरकतां कर रहे। हरकतां क्यों ना करा सर, कि हर गल मेरे गल पै जांदी है सर। अच्छा ला यवरेश फा हुआ मा युजिबुनी ला मा युजिबुनी। कहंदा तैनू मेरी पसंद और ना पसंद हले तक नहीं पता लगा। हर चीज मैनू पता है, मेरे तो ज्यादा कौन जानदा, मेरे मेरे तो ज्यादा तुहाडियां चारों बीवियां भी नहीं जानदियां तुहानू। सर जी मैं सवेरे गया, सलाम पेश कीता, मैंने कहते ने जाके ते करेले लैके आ धागे वाले भरे हुए, वो मैं स्पैशल बनवाए ने, लिया के मैं रखे ने। मैं कह लो सर, तो कहते ने मैं तो यह खाँदा ही नहीं। मैं कहते फिर पहले क्यों किया सी? मैं फिर चौके नाल मैं करेले वापस लै गया, 36-37 रोटियां सन, वह मैं रख गया। मैं क्या रखो तो मैं आना वापस, वापस आए तो रोटियां गायब ने। मैं क्या रोटियां कितने ने? कहते वो तो चकदियाँ चकदियाँ मैं खा गया। मैं क्या हूँ दसो की लियावा? कहते ने जी टींडे नाल, कहते ने कीमा लिया उत्ते अदरक बरीक बरीक कटिया हो, वो मैं लैके आया। मैं क्या लो जी? कहते ने मैं तो खाँदा ही नहीं सर। दाल चावल मैं लैके आया, टींडे गोश्त लैके आया, तो मैंने कहते मैं तो खाँदा ही नहीं। क्यों लैवरेश लकद अकल तुम ये वक्त मदार यार, आप ही तो तुम ऐसो, मैनू की पता भी कौन है क्या बंदा। मैं तो लिया ही गया, लिया ही गया, लिया ही गया, हर चीज में ल्यांदी है, ते को ना पसंद करी जा रहे ने। अरे मौक क्यों सही की था? कहंदे ने मैं ते है ही नहीं सा उथे। मैं कहां रुफे गुरफा? हां ओ लम अखबारो का? कहंदे मैं तेनु दसया नहीं। किस गल दा नहीं दसया? इनहु अखिर तवान तुहाडा जुड़वा भरा। आईवा ओ तुहाडा जुड़वा भरा है। आईवा फी गुरफा सवा सवा सही की था? ओ कटा सवा सवा, तू जो सवा सवा दो दो मनदे हो। पर मैं हैरान हो गया कि जरा जहा भी फर्क नहीं। अच्छा मतलब फेस भी यही, बॉडी भी यही, सेम यही। यू हैव अ ट्विन ब्रदर? अयवा यू नेवर टोल्ड अस। अरे माफी मान लो बोल। कहता मैंने भी नहीं पता भी उन्हें आना है अचानक। अच्छा असल इतना पैन कार दे विच इतने कमरे ने, बंदा यही भूल जाता भी ये केड़े कमरे च ने, असी केड़े कमरे च, मुलाजम केड़े कमरे च ने, और ता मेरे को गलत फहमी। आई कैन इमेजिन। ते की ना है उनका? अयवा शेख हसन बिन जर्रा। 75 रोटियां हजम कर गया यार। आपका नाम शेख वजन बिन जर्रा? आईवा। उनका नाम शेख हजम बिन जर्रा? आईवा। लो सर होने थे की करिए सर, एक छोट सॉरी, मैं थोड़े को माफी, मैं ही गलत था। ला खली आलो इधर माफी वालों या हबीबी। नहीं नहीं शुरू तो मैं ही गलत था। ये सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हाल? I'm good, आप बताएं। आईवा आईवा। انت حاجه؟ ايوه نور الحراء। ما شاء الله ماडल। आईवा आईवा تعرف تعرف تعرف। ए मेरा नाम असफर बिन बड़ाच है जी, ते मेरे वालो सब साई वालों ने। परफेक्ट। हक की तारीफ या हबीबी। तुम्हारा तारीफ? आईवा। ओ पहले दो बारी तो पहने तुम्हारा तारीफ कराया, उन्होंने कोई चेहरे तो कोई आई नहीं कोई खुशी। अच्छा कहते पता नहीं ना, इन्होंने नाम है शेख वजन बिन जर्रा। बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छा कहते नाम है, सिर्फ कहते ना ही अच्छा है। नहीं चेहरे के बारे में खाली। अस्सलाम वालेकुम। हां कैफ अल हाल? मालूम रहीन चौधरी। हां हक शुगल डबल انت سوي انا بعدين في سوقي حقي اخي। मैं नहीं दोवां दी रकम रोटी नहीं। अरे वती फलूस ओए फाड़े अपना बक्सा, मैं दो पे, मैं दो राशन के डब्बे भरा रोज दे। ए साले या हबीबी सुन सुन खाली मसरा। एक बंदे दी तनख्वाह देके ते दो बंदे दा काम मेरे को नहीं होना। जा मैं नहीं तोड़ कोल नौकरी कर खत्म हो गई। या चौधरी हां तू से जॉब करोगे मेरे नाल? ओलंपिक्स दे वेचे। ओ फिर उन्होंने कहा भी मैं कल्या नहीं जाना, मैं निर्गोली तो बगैर नहीं जाना, मैनू डर लगता है। ओ फिर मैं उन्होंने नाल गया, उत्थे पहुंचिया पैरिस दे विच यार इन्नी सफाई, हर पासे खुशबूवां ही खुशबूवां आ रही हैं। ओ मेरा उत्थे दिल लगा ही नहीं। ओके ओ फिर मैं इत्थे आ के समनाबाद गंदे नाले से दो घंटे फिरिया, फिर जाके मेरा किधर दिमाग खुलिया। सर जी मैं उत्थे जाके पूछा राणा सुनावला साहब ने, मैं कहा सर जी तुहानू ते कानून दा तजर्बा हैगा ते तुहानू ओलंपिक्स क्यों भेज दिता ने? कहंदा सुनिया इत्थे होणे ने मुकाबले, ते मेरे ज़हन च सी भी अगर जे मुछां दा मुकाबला होया ते तेरा बिरा ही फर्स्ट आएगा। ओ मैं कह सर पैरिस है पिंडी नहीं। अच्छा चल फिर किधर पैरिस फिरन टुरन चलिए।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਮਲੀ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ੁਪਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਐ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਐ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਐ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 455 ਪੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਠੀਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਾਜ ਦੌੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ, ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਰਿਸ ਚ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਨੋਟਰ ਡੈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ 500-700 ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਰੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੰਸਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਰ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੈਗੇ। ਨੂਰੁਲ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਰ ਕਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਹਨੇ ਆ ਬਈ। ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਤੇ ਅੰਸਰ ਬਾਈ ਕੋ ਕਿਨੂੰ ਸ਼ਿਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਰੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਐਂ ਨਚੋੜੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਿਲਾਸ ਭਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਕਿਨੂੰ ਸਕਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੰਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਕਿੰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਆਪਕੋ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਰੀਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਆ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਚੌਕਸ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਧਰ ਚੌਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਰੀਚ। ਸਰ ਆਪਕੋ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ? ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਕੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂਓ ਕੀ ਪੇਟੀ ਪੜੀ। ਰਗੜ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। السلام علیکم، میرا نام پرویز اختر ہے، میرا سوال سر سے ہے کہ پاکستان میں سب سے بہتر دور کون سا رہا ہے جس میں کچھ ترقی ہوئی ہے تھوڑی بہت؟ ایوب خان کا۔ ہاں جی کہتے ہیں جی، سنا ہوگا آپ نے بھی، میں بھی یہی سنا تھا، جنرل ضیاء سے پہلے اچھا دور تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ تو تمہیں بھی پتہ ہوگا تو اسی کا 180 جے
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफ़िज़ा ईमान रमज़ान है और मेरा सवाल मैम से है कि मैम आपने अपना मॉडलिंग कैरियर किस मॉडल से इंस्पायर होकर किया? अभी मैंने इनको भी एक क्वेश्चन का आंसर किया था कि मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई, मुझे जर्नली करना अच्छा लगता था तो आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड देन मुझे ब्रांड्स ने खुद ही अप्रोच करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हो कि मुझे किसकी स्टाइलिंग अच्छी लगती तो आई रियली लाइक हानिया आमिर द वे शी कैरीज। वो इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हैं, उनका इतना अच्छा इंस्टाग्राम पर है कि वो कुछ भी पोस्ट करती है ना इट गोज वायरल, यू नो। तो आपने अपना आपको इस लेवल पे लेके आना होता है कि आप कुछ भी पोस्ट करो पीपल आर लाइकिंग यू बिकॉज यू हैव योर ऑडियंस देयर। सो या और हानिया को आप फॉलो करती हैं? या आई डू, आई हैव मेट हर लाइक मल्टीपल टाइम्स। ये बादशाह खान वाली बात क्या है, वो जो रैपर है वो बादशाह खान? सिर्फ बादशाह खान नहीं, अच्छा हो गया। I think it's good when you collaborate with different artists. खान अपने को लो बात था, कोई हाल नहीं है वैसे। दरअसल ऐसी खान ना मोहब्बत कर देना फिर खान हर किसी से। मैं भी उनको बहुत मिस करती हूँ। किसको? इमरान खान को। अच्छा माशाल्लाह, मैं क्या बादशाह खान? अच्छा मैं फिल्म देखी थी ना, कहाँ छुपा लिया है? क्या मतलब कहाँ छुपा लिया? क्यों मतलब कहाँ गए हैं सारी आवाम? तो आई रियली फील बैड फॉर हिम कि भाई अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है, इवन उनकी पार्टी भी जो है पीछे से कुछ कोई कर ही नहीं पा रहा, मतलब क्यों नहीं कुछ हो रहा? नहीं मुझे होता है कि कुछ तो करें ना। बताएं जो होता है, तो आप बताएं क्या करें ये लोग, तो फिर क्या तरीका है इनको? ये तो फिर आप बताएं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरीका होता है, कोई तरीका बता दो। मतलब मुझे बस ये बुरा लगता है कि एक चीज की हाइप बनती है इस कंट्री में और वो फेड हो जाती है, कुछ कंटिन्यू नहीं हो पाता कि हम लोग कर सकते। वैसे आपको पता है अमूमन होता ही इसलिए एज अ वर्ड कि वो किसी चीज की एक वक्ती हाइप होती है और वो खत्म होती है। सो हाइप बनना तो आपको पसंद नहीं, लेकिन वैसे हाइप तो हमेशा खत्म हो जाती है, मगर वो जो दूसरा सवाल ये है कि क्या करें, वो आपके साथ बैठे उनको बताएं वो क्या करें। देखिए जी, नूर से मेरी अभी मुलाकात हुई जब, तो यही क्वेश्चन था उस वक्त भी, मैंने भी आते साथ पूछी थी कब आएंगे भाई। अगर खान साहब आ गए तो खुशी में आप क्या बांटेंगे? आपको क्या पसंद है मिठाइयों में? गुलाब जामुन जी, गुलाब जामुन पसंद है? मिठाई हाँ, बस वही बांट देंगे। दस देंगे, दस देंगे गुलाब जामुन की देगा इना लो जामुन उन्हें जी। अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं सर, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही आंसर वही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो 5,000 रुपए हर सही जवाब के साथ। ये आप लोगों की कॉल है, आप कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। पहले कौन खेलेगा आप में से? आप खेलें स्टार्ट, या श्योर आपसे स्टार्ट करें। लीजिए मैडम, फिर बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सजल अली और सायरा यूसुफ। सजल, या उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बताइए लेफ्ट के अंदर इंटरव्यू, लेफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुमायूं सईद, शान और नुमान एजाज। तो सेल्फी किसके साथ है? नुमान एजाज। स्माइल किनको दे रही हैं? शान को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? हुमायूं सईद का फ्लोर आ गया है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं आयशा उमर और मोमना इकबाल। आयशा उमर टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा और आतिफ असलम। आतिफ असलम ऑब्वियसली, आई विल आस्क हिम टू सिंग सॉन्ग्स फॉर मी देयर। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देके उसकी जान बचानी है, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अबासी और हानिया। हमजा अबासी, दूसरी ऑप्शन भी दी है मैंने, हमजा अबासी और हानिया आमिर। ज्यादा पसंद मुझे हमजा अबासी। तो बस ठीक है, छोड़े हानिया आमिर गई जी। अंसर भाई, सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका किरदार उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब और साजिद हसन साहब। नुमान एजाज साहब। सर ये बताएं, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान, शेरयार आफरीदी और मुराद सईद। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? मुराद सईद। और कमरे से बाहर जा रहे हैं शेरयार आफरीदी पे, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्त आप वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी। शेर अफजल मरवत होंगे वो। सर ये बता दें टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान और महविश हयात। फरदोस आशिक अवान को तो नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो महविश हयात को ले जाएंगे, जाहिर है फिर वही बता। ये भी एक तरीका है जवाब देने का।
डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद साहब और उस्मान बुज़दार साहब। शेख रशीद को जबरदस्त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। नूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।